बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है शिवम गुप्ता। हाय मैम, इट्स मी प्रियंका। मैम, मेरी दो बार केमिकल प्रेगनेंसी हुई है, ये दोबारा ना हो इसके लिए क्या करूँ? देखिए, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको केमिकल प्रेगनेंसी बार बार होती है तो आपको इसका जवाब अच्छा डॉक्टर ही दे सकते हैं। डॉक्टर आपको बता सकते हैं क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं कंसीव के लिए। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। सिमरनप्रीत, हेलो दीदी, मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी। और सिमरन, आप मेरा वीडियो देखिए कैस्ट्रोल पैक वाला, जहाँ पे मैंने बताया कि फेलोपियन ट्यूब्स को नेचुरली कैसे ओपन करना है, आप उसको ट्राई करके देखिए। नहीं होता है तो डॉक्टर्स आपकी सर्जरी करेंगे ट्यूब्स को खोलने के लिए, या फिर IVF ऑप्शन आपको रिकमेंड करेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले एक बार ये कैस्ट्रोल पैक यूज़ कर लीजिए, शायद आपको इससे जो है फ़ायदा हो जाए। मेकओवर AM, मैम मेरे तो कभी रिप्लाई नहीं किया आपने, मैंने अपनी भाभी के लिए क्वेश्चन किया था, आई एम अनुपमा। सॉरी अनुपमा, अगर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं सबका ट्राई करती हूँ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इसलिए मैं बोलती भी हूँ कि मेरा जब न्यू वीडियो अपलोड होता है आपके क्वेश्चंस के आंसर वाला, तो वहाँ नीचे आप लोग क्वेश्चन का अपना क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ दीजिए, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। मोनिका कनवार, थैंक यू मैम, थैंक यू मोनिका। प्रियंका सोनी, मैम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई में। और सॉरी, मुझे इतना डिलीवरी के बारे में नॉलेज नहीं है, आप इसके लिए डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, उनको पूछिएगा, ठीक है। समीर कक्कू वाला, मैं आपकी पिक देखना चाहती हूँ। समीर कक्कू वाला, आई एम सो सॉरी, मेरे घर में अलाउड नहीं है अपनी पिक शो करना, प्लस अपना, इसलिए मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ उसमें आपको मेरी वॉइस ही दिखती होगी, मैं कभी भी अपना फेस नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मेरे घर में अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। आफरीन यूसुफ, मैम सरोगेसी क्या होता है? आफरीन, सरोगेसी ये होता है कि जो भी महिलाएं नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती, IVF भी उनका फेल हो जाता है, तो वो क्या करती है कि दूसरी जो औरत होती है तो उसकी वो कोक भाड़े पे ले लेती है, ठीक है। वो उनके हस्बैंड के स्पर्म वगैरह से बच्चा बनाते हैं डॉक्टर्स, और उनके गर्भाशय में डालते हैं। वो 9 महीने तक अपने बच्चे, आपके बच्चे को अपने पेट में रखती है, और डिलीवरी होने के बाद वो आपको दे देती है, ठीक है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो जो है आपको भाड़े पर लेना पड़ता है किसी की कोक को, ठीक है। बच्चा आपके पेट में 9 महीने नहीं रहता है, किसी और के पेट में रहता है, ठीक है। तो इसी को हम सरोगेसी कहते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। प्रभाती छेत्री, आप डॉक्टर है क्या? जी नहीं प्रभाती, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं बहुत सारे वीडियोस में अपने बोल भी चुकी हूँ, मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत नॉलेज है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी नॉलेज से अगर किसी को फ़ायदा हो जाता है तो इसलिए मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ वीडियो के थ्रू, और इससे बहुत से लोगों को कंसीव भी हो जाता है, ठीक है। संदीप मौर्या, ईद मुबारक हो मैम। थैंक यू संदीप, आपको भी ईद मुबारक। कमलजीत कौर दी, मुझे पीरियड शुरू में ब्राउन और थक्के आते हैं, क्या बताएं प्लीज़। हाँ, आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा थक्के थक्के से निकल रहे हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर शुरू में 1-2 दिन आता है तो ये नॉर्मल है, ये होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मधुरी मोरासकर, मैं मेरा पीरियड रेगुलर डॉक्टर के पास जाके दिखाया तो ओवुलेशन भी 14 या 15 डे पे होता है, और मुझे थायराइड है 2.7 है, 25 NG टैबलेट चालू है, फिर मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। मैं सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, एक बेटी है 5 साल की, और क्या प्रेग्नेंट हो सकती हूँ सेकेंड टाइम प्लीज़। मैं बहुत डिप्रेशन हूँ, 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, ट्रीटमेंट भी 6 मंथ से ले रही हूँ, रिज़ल्ट कोई नहीं आ रहा है। टिप्स, ये वीडियो लिंक दीजिए जो मैं टिप्स फॉलो करूँ। आज मेरा पीरियड है तो ओवुलेशन डे कब होगा? आप यहाँ पे जो है ना डेट मुझे बताइए तो मैं आपको ओवुलेशन की डेट बताती हूँ। प्लस आप अगर 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, आपको पहले एक बच्चा है तो आपको फिर हो जाएगा। कभी कभी हमारी बॉडी इतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है। मैं आपको बोलूँगी कि आप मेरा थायरॉयड वाला वीडियो देखें, प्लस अपने ओवुलेशन को सही तरीके से ट्रैक कीजिए कि आपका ओवुलेशन कब होता है। उन दिनों में आप ट्राई कीजिए, ओवुलेशन में क्या क्या ऐसी टिप्स करनी चाहिए वो वाला मेरा वीडियो देखिए, वो सारे टिप्स फॉलो कीजिए, तो आपको जो है 2 से 3 महीने में ही कंसीव हो जाएगा, ठीक है। आप अपने ओवुलेशन के दिनों में ट्राई कीजिए। शीबा अहमद, अस्सलाम वालेकुम हीना आपी। वालेकुम अस्सलाम शीबा।
रोहित नगर, ईद मुबारक हो दी। थैंक यू रोहित, आपको भी ईद मुबारक हो। प्रीत मेहरा, मैम मुझे डेट और सही डेट पर नहीं आ रही है, 2 मंथ से 1 मंथ में 2 बार आ रही है, क्या करूँ प्लीज़, पीरियड सही टाइम पर आ जाए, ओवुलेशन हो जाए और बेबी कंसीव हो जाए। आप मेरा वीडियो देखिए कि पीरियड्स को कैसे रेगुलर करना है, मैंने उसके ऊपर एक रेमेडी बताई है, उसको ट्राई कीजिए। पीरियड्स रेगुलर हो जाने के बाद में आपका ओवुलेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आप मेरा ओवुलेशन ड्रिंक भी पीजिए तो आपको कंसीव भी हो जाएगा, ठीक है। रुचिका जोशी अरोरा, ईद मुबारक मैम। थैंक यू रुचिका, आपको भी ईद मुबारक हो। रेखा यादव, मैम एक एग छोटे बनते हैं क्या, बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है क्या, प्लीज़ रिप्लाई करो, मैंने क्या बार आपसे ये क्वेश्चन किया है। देखिए, अगर एग आपके छोटे बनते हैं तो ओवुलेशन नहीं होता होगा, और अगर ओवुलेशन नहीं होता होगा तो आपको कंसीव में प्रॉब्लम आ सकती है। आकाशदीप सिंह, मैम मुझे पीसीओडी है, मेरी ओवरी का साइज़ बढ़ रहा है, राइट ओवरी 15 cc, लेफ्ट 19 cc, पीरियड इरेगुलर है, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स है ओवरी में, मैम मैं कंसीव कर सकती हूँ क्या, 22 साल की हूँ मैं, और मेरी क्या क्या लिखा है आपने, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, पता नहीं लगा कि एग बनते हैं है नहीं, डॉक्टर ने कहा था एग रप्चर नहीं हो रहा, उसके मतलब क्या है, और पीसीओडी में वीडियो जल्दी से लाए, वेट फॉर अ वीडियो। ओके, पीसीओडी के ऊपर मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, प्लस मैं आपको एक बात बता दूँ, डॉक्टर अगर आपको बोल रहे हैं कि आपके अंडे रप्चर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स यानी क्या होता है, आपकी जो ओवरी है ना उसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स है, यानी कि छोटे छोटे अंडे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक अंडा जो है ना मिच्योर होके वो फूट नहीं पा रहा है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ पीसीओडी पेशेंट्स में होता ही होता है, बहुत सारे अंडे होते हैं छोटे छोटे छोटे, लेकिन उनमें से एक भी अंडा मिच्योर होके फूट नहीं पाता है, ठीक है। पीसीओडी के ऊपर वीडियो लेकर आने वाली हूँ, प्लस आप डॉक्टर से जो है ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखें, डॉक्टर को ओवुलेशन इंडक्शन देने के लिए बोले, ताकि आपको दवाइयाँ दे के वो अंडे अंडे को ग्रो करने के लिए दवाइयाँ दे, प्लस उसको फूटने की भी दवाइयाँ दे, और इन दिनों में आप ट्राई कीजिए, ठीक है। किंजल गोहिल, नॉर्मली स्पर्म की मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए। देखिए, नॉर्मली स्पर्म की मोटिलिटी 40-50% होनी चाहिए कंसीव करने के लिए, कभी कभी डॉक्टर्स इसको 30% मोटिलिटी को भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 40-50% मोटिलिटी अच्छी होती है कंसीव करने के लिए, ठीक है। अम्बिली बीजू, मैं मुझे डॉक्टर ने May 11th को ब्लॉक चेक किया, फिर बोला कंसीव हो जाएगा, पर 5 जून को डेट आ गए एंड 38 हो गया, मैम क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ। मैम अम्बिली जी, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, आपने क्या ब्लॉक चेक करवाया, आप अच्छे से टाइप करके भेजिए तो मैं आपको उसका क्वेश्चन का आंसर दूँगी, ठीक है। ज्योति ठाकुर, हेलो मैम, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, एक मिसकैरेज हो चुका है, मुझे पीसीओडी है, एग नहीं बन रहे हैं, मैं मुझे यूट्रस में पॉलिप था उसको हिस्टेरोस्कोपी से रिमूव किया, एंड मैम मेरा पीरियड भी टाइम पे आता है, प्लीज़ मैम आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा होगा, तो पीसीओडी के ऊपर वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पुरब्या सोबाना बैन, मैम मेरा एग छोटा बनता है तो क्या प्रेग्नेंट हो पाऊँगी, मैं एक बार माँ बन चुकी हूँ पर अब दोबारा नहीं हो रहा है तो क्या करूँ, दवा भी चालू है तो नहीं होता है, मैं 3 बार IUI कराया है पर फिर भी नहीं हुआ, क्या करूँ बताइए प्लीज़। अगर आप एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो मे बी आपको जो है ओवुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो अंडे हैं वो बराबर से बनके फूट नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आप मेरा ओवुलेशन का जो ड्रिंक है ना उसको इस्तेमाल कीजिए, साथ ही में मैंने 5 टिप्स बताए हैं एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो वाली टिप्स भी फॉलो कीजिए, तो जो आपके छोटे अंडे बन रहे हैं ना तो आपके अच्छे अंडे बनेंगे, ठीक है। एंड अगर आप फिर से IUI या फिर IVF के लिए जा रहे हो, IVF के लिए तो आप नहीं जाओगे, IUI के लिए अगर आप फिर से जाते हो तो मैं बोलूँगी कि साथ ही साथ में एक्यूपंक्चर थेरेपी भी आप ले, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो आप ये करके देखिए तो आपको जो है कंसीव हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने अभी यहाँ पे सबके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, कोई भी अभी मेरा यहाँ पे क्वेश्चन पेंडिंग नहीं।